नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है दोबारा से एक नई वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पीएफ बैलेंस को कैसे चेक कर सकते हो। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है कि हर महीने आपका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने पैसे आपके सरकार के पास इकट्ठे हो रहे हैं पीएफ खाते में, वो कैसे चेक करना है, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हां देखो अब। अब देखिए, पीएफ चेक करने के लिए मैंने एक और वीडियो पहले बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि मोबाइल नंबर के थ्रू कैसे आप पीएफ को चेक कर सकते हो। मोबाइल नंबर में जो भी आपको मैसेज आता है वो आता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन मे भी आपको इंग्लिश समझ में ना आती हो, या फिर आप चाहते हो कि आपका जो मैसेज आए, जो गवर्नमेंट की तरफ से पीएफ का जो भी डिटेल्स आए वो आए आपके रीजनल लैंग्वेज में, चाहे ले लो आप बंगाली, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती, हिंदी, तो फिर भैया यहाँ पे वो कैसे करें। देखिए, आपको एसएमएस करना है एक मोबाइल नंबर पे जो कि है 7738299899। दोबारा से बोलता हूँ, 7738299899। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मैं, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि मैं इस पे मैसेज करूँगा और कैसे मैं अपने फॉर्मेट में, मतलब जैसा लैंग्वेज चाहिए मुझे उस लैंग्वेज में सारी डिटेल मंगाऊंगा। तो जब आप सिंपल सा मैसेज लिखोगे, मतलब EPFOHO स्पेस UAN, तो यहाँ पे अगर आप इस मैसेज को सेंड करते हो तो यहाँ पे भी आपको वही मैसेज आएगा जो आपको कॉल करने के बाद आता है, मतलब सिंपल सा इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। डिटेल्स सारे सेम रहेंगे लेकिन इंग्लिश में आएगा। लेकिन अब आपको रीजनल में चाहिए, देखो ये यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो। अगर आपको रीजनल में चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दोबारा से इसी मैसेज को कॉपी पेस्ट करना है, EPFOHO स्पेस UAN, इसके बाद एक और स्पेस देना है आपको और फिर यहाँ पे लिखना है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे को तमिल में चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा TAM, ठीक है। तो ये हो गया भैया तमिल। अब मैंने मैसेज भेज दिया, अब हम इंतजार करते हैं कि तमिल में ये मैसेज कैसे आता है मेरे पास। ये देखिए, ये आ गया यहाँ पे तमिल में। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड किया है, लेकिन तमिल में इस तरीके से आप मैसेज मंगा सकते हो। तो आपको मतलब जो भी लैंग्वेज चाहिए उस तरीके से यहाँ पे देखो, मैंने गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, इंग्लिश में, इवन हिंदी में भी ट्राई कर लेते हैं कि अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में कैसे करना है। तो भाई दोबारा आपको ये मैसेज कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे बस लिख देना है आपको HIN हिंदी, मतलब फर्स्ट 3 digit ही लिखना है। ये नहीं कि पूरा HIN DI या TAMIL, ऐसा नहीं करना है, आपको पहले के 3 digit लिखने हैं बस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैसे एक मैसेज आता है। तो देखिए, हिंदी में भी आ गया, प्रिय सदस्य EPFO के रिकॉर्ड में आपका विवरण और जो भी है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो ये था सिंपल सा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको क्विकली चाहिए तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आप नीचे जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है कि वहाँ पे आप कैसे सिर्फ नंबर डायल करके अपना EPF का पूरा बैलेंस चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने फॉर्मेट में चाहिए, अपने लैंग्वेज में चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे मैसेज करना पड़ेगा और वो कैसे करना है ये मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करती हैं चीज़ें। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, नीचे टाइप कर लो, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल भी आपके लिए है। तो आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।